नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं उलक शर्मा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच में वनडे सीरीज खत्म हो चुकी है। टी20 सीरीज अब खेली जाएगी, इसके बाद टीम इंडिया जाएगी आयरलैंड और उसके बाद टीम इंडिया का जो सबसे बड़ी परीक्षा है उसकी सबसे बड़ी तैयारी होगी, यानी कि एशिया कप 2023 खेला जाएगा। उसके बाद फिर वनडे वर्ल्ड कप भी तो खेला जाना है, तो इसके लिए टीम इंडिया पूरी तरीके से तैयारी कर रही है, एक्सपेरिमेंट भी कर रही है। बहुत सारे जो इंजर्ड खिलाड़ी है वो फिट भी हो रहे हैं। जसप्रीत बुमराह जैसा कि आयरलैंड दौरे पर उनकी वापसी हो गई है। और अब इसी के साथ एक खुशखबरी और आई है, और ये खुशखबरी आई है केएल राहुल के रूप में, जो अब पूरी तरीके से फिट हो गए हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि वो अब बल्लेबाजी की प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही जो वो विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस है वो भी कर रहे हैं। आपके सामने तस्वीरें दिख रही है कि वो किस तरीके से विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बल्लेबाजी की नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये देखते हुए उनके फैंस, न केवल उनके फैंस बल्कि भारतीय क्रिकेट फैंस काफ़ी खुश हो रहे हैं, क्योंकि टीम इंडिया को अगर एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करना है तो केएल राहुल का इस टीम में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केएल राहुल का वनडे रिकॉर्ड वैसे भी अच्छा है। और अगर आप उनकी जगह देखें, मतलब चौथे या पांचवें नंबर पर, तो सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन का प्रदर्शन उस तरीके का नहीं रहा है जैसे कि उनसे उम्मीद की जा रही थी। अब केएल राहुल विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर खेलेंगे, प्लेइंग 11 में मिडिल ऑर्डर में वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, लेकिन अब एशिया कप में उनकी वापसी हो सकती है। सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि एशिया कप का जब स्क्वाड आएगा उसमें उनको शामिल कर लिया जाएगा। एशिया कप में वो तैयारी करेंगे वनडे वर्ल्ड कप की। तो अब अच्छी चीज ये है कि टीम इंडिया के जो इंजर्ड बड़े खिलाड़ी जो इंजर्ड थे वो फिट हो रहे हैं, टीम इंडिया में वापसी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं केएल राहुल के बारे में बातचीत की जाए तो देखिए, आप सभी को पता है कि आईपीएल 2023 में वो आरसीबी के खिलाफ खेलते हुए इंजर्ड हो गए थे, अब बिल्कुल लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर गए थे। उसके बाद से वो अभी तक मैदान में नहीं उतरे हैं और उनकी चोट इतनी गंभीर थी कि उनको इतने लंबे समय वक्त तक बाहर रहना पड़ा। तो क्या केएल राहुल की वापसी से टीम इंडिया मजबूत होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।